हाय एवरीवन, आज हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। तो पहले आप लोग बताइए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो आप लोग को पता लग रहा होगा कि मीडियम पर डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग होगा और वैक्यूम पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी अलग होगा। तो दोनों के लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए निकाल लेंगे, मान लीजिए, है ना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किस सिंबल से हम लोग नोट करते हैं? अलग अलग सिंबल से नोट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग स्मॉल एन से नोट करेंगे, किस सिंबल से? स्मॉल एन से, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग वैक्यूम के लिए निकाल लेंगे, वैक्यूम के लिए निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेलोसिटी है इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, उसका फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर वेलोसिटी है वो कितना है? वेलोसिटी इज इक्वल टू वन बाई म्यू एप्सिलॉन। तो यहाँ पर म्यू मतलब क्या है? परमिएबिलिटी। ई मतलब क्या है? ई मतलब परमिटिविटी। तो ये तो आप लोगों को पता होगा, जब हम लोगों ने वेव इक्वेशन पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन डिराइव किया था, तब हम लोगों ने वेलोसिटी के जगह पर ये वाला पुट किया था, है ना। तो म्यू ई के जगह पर आप लोग वेलोसिटी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाला कंडीशन आप लोग को याद रखना होगा, यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी, ठीक है ना। और यही वाला वेलोसिटी इन वैक्यूम पर क्या होता है? मैं दोनों साइड पर म्यूचुअली करते चाहूँगा, ठीक है ना। तो यही वाला ये बन जाता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये आप लोग याद रखना, इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी होता है वो होता ही है, इन वैक्यूम जो वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, बाकी एज दिस सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग को एक रिलेशन शायद पता होगा, म्यू एप्सिलॉन, इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट म्यू आर और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं, है ना। यानी कि देखिए, म्यू के जगह पर हम लोग म्यू नॉट म्यू आर लिख सकते हैं, जहाँ पर म्यू नॉट मतलब क्या है? जो परमिएबिलिटी है वैक्यूम पर, और जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो एक दूसरे, यहाँ पर परमिटिविटी जो है वो वैक्यूम पर परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट परमिटिविटी का फॉर्मूला निकल के आते हैं, है ना। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर हम लोग जाके पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ये वाला हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है उससे एक तरफ कर लेंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को, और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है परमिएबिलिटी, है ना, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और यहाँ पर क्या होगा? रिलेटिव परमिटिविटी। इन दोनों को हम लोग एक साथ कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये दोनों तो कॉन्स्टेंट है, ये दोनों तो कॉन्स्टेंट है। अगर इसका आप लोग वैल्यू निकालते हो ना, तो इसका वैल्यू एज इट इज निकल के आते हैं स्पीड ऑफ लाइट सी के बराबर। अगर आप लोग इसका वैल्यू और इसका वैल्यू पुट करते हो तो ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर निकल के आते हैं, है ना। ध्यान देना, यहाँ पर अगर ये जीरो को मैं हटा दूँ, है ना, वैक्यूम पर बात ना करूँ, तब सी नहीं होता है, तब सी नहीं होता, तब अलग होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जीरो जीरो पुट कर दूँ तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है? सी आ जाता है, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि वन बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर, इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? सी। और यहाँ पर क्या होगा? म्यू आर एप्सिलॉन आर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग को चाहिए क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? एन इक्वल टू सी बाई वी। एन इक्वल टू क्या होगा? सी बाई वी। तो हम लोग सी बाई वी निकालेंगे, यानी कि वी को इस साइड पर ले आएंगे, म्यू आर ई आर को इस साइड पर ले जाएंगे, यानी कि हम लोग के पास सी बाई वी का फॉर्मूला क्या होगा? म्यू आर ई आर, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या निकल के आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आया रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी का प्रोडक्ट साथ में ऊपर में रूट ओवर। और यही है क्या? यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? तो ये फॉर्मूला क्या निकल के आए? वी इज इक्वल टू सी, यानी कि अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था सी बाई वी। सी को तो कुछ चेंज नहीं करते, लेकिन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम क्या निकल के आया? सी। तो सी बाई सी इज इक्वल टू वन, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या निकला? वन निकला, है ना। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए। तो दोनों पर अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी है पहले ही हम लोग कंसिडर कर लेंगे, और वेलोसिटी में सिर्फ इतना फर्क है कि यहाँ पर म्यू एप्सिलॉन, यहाँ पर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए। उस पर डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।